अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश, राजनीति, खेल जगत और क्षेत्र की बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग सुपर फाइव में। झारखंड के दुमका में बच्ची से रेप के केस की सुनवाई के लिए रात भर चली अदालत। आपको बता दें कि दुमका जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कड़बिंदा में 5 फरवरी को रिश्ते में चाचा लगने वाले मिट्ठू राय अपनी 6 साल की भतीजी को चॉकलेट और बैलून दिलाने का झांसा देकर घर से ले गया और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस मासूम का गैंगरेप किया। असहनीय पीड़ा से जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश छिपाने के लिए मिट्टी में दबा दिया। 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में सोमवार को रात भर कोर्ट में सुनवाई चली। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद तैफिकुल हसन की कोर्ट में सुनवाई चली। इस दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। 2000 के लिए बच्चे का काटा गला, मां की गोद में पहुंचकर तोड़ा बच्चे ने दम। बकाया मेहनताना नहीं मिलने पर बौखलाए कारीगर ने अपने मालिक के 4 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। खून से लथपथ हालत में मासूम अपनी मां के पास पहुंचा, मां की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया। यह घटना सोमवार शाम को हावड़ा के डोमजोर थाना अंतर्गत बांकड़ा बाजार के पास हुई। आपको बता दें मृत बच्चे का नाम मोहम्मद इमरान है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आरोपी कारीगर का नाम मोहम्मद सलीम है। वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग निकला, पुलिस उसे तलाश रही है। पत्नी ने खोली पोल, पति जबरन CAA के खिलाफ धरने पर भेजता है, वीडियो हुआ है वायरल। अलीगढ़ में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे जबरन CAA के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजता है। अलीगढ़ में पुलिस लोगों को समझा रही है कि वो अनावश्यक रूप से CAA के खिलाफ धरने में शामिल ना हो। इस दौरान जब पुलिस अलीगढ़ में एक घर में पहुंची तो महिला अपने पति पर बरस पड़ी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली दंगों को लेकर संसद में हाथापाई की नौबत आ गई। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस व भाजपा के सदस्यों के बीच दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बहस हुई और नौबत ये आ गई कि दोनों पार्टी मर्यादा को तार तार कर धक्का मुक्की पर उतर आए। दरअसल दिल्ली हिंसा मामले पर सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, जिसके चलते लोकसभा में हंगामा होने लगा। कांग्रेसियों ने मारपीट तक के आरोप लगाए हैं। महिला T20 में न्यूजीलैंड को हरा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सेमीफाइनल में। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बैथ मुने की 60 रन की पारी के दम पर 5 विकेट पर 155 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया। वहीं न्यूजीलैंड 7 विकेट गंवाकर 151 रन पर सिमट गई। मॉर्निंग सुपर फाइव में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।